गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच, और यहाँ पे देखो हमारे यहाँ एक छोटा सा बाबू आया है और अंश ने सारे टॉयज यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। साथ में ये पंडित जी हैं और भैया लोग हैं, साथ में बाबा आए हैं हब्बू नगर वाले, और उसी के साथ नाना जी भी आए हैं। तो आज काफ़ी लोग हैं हमारे घर में, एंड मैं आज फटाफट लंच बना रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं। हमारे यहाँ फिर से आ गया है आया। हेलो अंश, अंश और मासी का तो ट्यूनिंग हो गया। तो हेमा हमारे घर का इनॉग्रेशन हुआ था तब वो आ नहीं पाई थी, और जब अभी पूजा हुई थी और राज का बर्थडे था तब भी वो आई थी, तो वो दोनों गिफ्ट घर पे ही भूल गई थी। तो आते ही आज उसने मुझे ये वाला गिफ्ट दिया, और ये बहुत ही प्यारा सा 100 पीस है। और साथ ही में एक और गिफ्ट है जो राज के बर्थडे के लिए है, तो वो भी मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला भी बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम विथ वॉच है। तो अभी हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है, एंड अब रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जलालपुर, क्योंकि कल है हनुमान जयंती, और आप लोगों को पता है कि हनुमान जयंती पे जलालपुर में हम लोग बंदरों को मीठी पूड़ी खिलाते हैं। तो इस बार हेमा भी चल रही है, और नेक्स्ट मंथ है शादी बड़े पापा के बेटे की, तो वो वहीं रुक जाएगी, शादी अटेंड करके आएगी, एंड हम लोग तो कल वापस आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। बॉटल तुम लोग कटक गए? हाँ यही दोनों, थोड़ी सी तो जब जाते वक्त ये दोनों ही लिए थे। का मन कर रहा था बर्बाद हो जाए, थोड़ा सा मेरे आराम से वो पी रहा है। बता देती बोलिए, बस ऐसे तो सोच के लाती है। अब भरा था तो ले लो, बेचारा मांगता ही रह गया। न्योता है न्योता, कल आना सब लोग। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही सबसे पहले यार हमारी गाड़ी से सामान निकल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था, मतलब कल का भी सामान था, और आज भी शाम को हम लोग बाटी चोगा बनाने का प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उसका भी सामान सब हम लोग लेके ही आए थे, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या मिलता क्या नहीं मिलता। तो इसलिए सारा सामान ले के अब चलते हैं घर। और आयांश देखो कितना ज़्यादा खुश है, इसको यहाँ पे ना मंकी वगैरह दिख गया तो एकदम खुश हो गया वो तो देख के। ओह माय गॉड, तुम ताड़ रही थी क्या वहां से? नमस्ते, अभी तो जल्दी दे के चलो वहां में। नमस्ते मासी। नमस्ते। तुम लोग से अच्छे तो यही लोग हैं, कम से कम रास्ता देख रहे हैं कि कोई आने वाला है। हाँ, इसके पास है भाई, मारना वारना नहीं। अम्मा कहाँ गई? अम्मा नमस्ते। नमस्ते। अरे हम उसी दिन सही आलू उबाल रहे हैं, बोलिए तो ऐसा बना रहा था हम कहा बनाई, अब तो बना चुके तो कोई आवाज हुई है तो बन रहा, तो लेती है आलू। लो अम्मा नानी पराठा बनाई है, खाओगे? मैं भुक्कड़। अरे सब बेटा शौक के मारे पराठे के साथ चाय पियेंगे बस। स्थिति को नहीं मम्मी, उसकी सी चाय में कैसे सब लोग पियेंगे? बस पराठा है इसलिए हम चाय ले रहे हैं। कौन तुमसे लंबा है? नहीं ऐसा लग रहा है भैया का भी चीज लंबा है। हेलो कल निकलता है, आ जाओ जाओ। अरे भाई कल ठीक है, अरे आपकी वीडियो बना रहे हैं, डरो मत। तो अम्मा के हाथ के बने हुए यमी यमी से पराठा और रोमा के हाथों की बनी चाय हम लोगों ने एंजॉय कर ली। अब हम लोग चल दिए, पूरे भाई बहन देख लो हमारी पूरी पलटन, हम चल दिए हैं खेत की तरफ। और यहाँ पे एंजल को दिख गया है पीकॉक, और जैसे ही हम खेत के पास पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा पूरा खीरे का ढेर था। तो हम सब भाई बहन टूट पड़े हैं इस खीरे पे, और चाची थी तो चाची मना कर रही थी कि दूसरे का खेत है मत खाओ, बट हम काम मानने वाले थे। और दिव्या पूरी तैयारी के साथ आई थी, मतलब नमक वमक सब लेकर आई थी। तो हम लोग खीरा खाते खाते अब चलते हैं अपनी खेत की तरफ, और ये है पूरा खीरे का खेत। तो यहाँ पे देखो अभी छोटे छोटे से खीरे लगे हैं, क्योंकि बड़े वाले जो है सब तोड़ लिए गए, एंड जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये खीरे का ही खेत है। और तरबूज का खेत आगे है,
तो चलो आगे तरबूज का दिखाऊंगी, इन कद्दू का भी पेड़ है तो वो सब दिखाऊंगी, पहले अभी चलते हैं खीरे का। एंड यहाँ पे देखो एक और दिखा छोटा छोटा, तो चलते हैं। और यहाँ पे देखो ये है प्याज, प्याज का पेड़ है। और इधर क्या है, कद्दू, कद्दू याद है जब पिछली बार हम लोग आए थे तो ये एकदम इत्तू इत्तू सा था, होली पे आए थे अभी। हाँ। कितने दिन, एक महीने भी नहीं हुए ना। हाँ, एक महीने में दो दिन कम है, तब ये एकदम छोटा छोटा पेड़ था और अभी इतने बड़े बड़े। और जब अगले महीने आऊंगे ना तब इसमें इतने बड़े बड़े कद्दू होंगे। भाई कुछ मिला कि फर्जी चल रहा है तुम लोग? ये थी कद्दू, ये मिल गया। वाह वाह वाह। अरे हाँ यार देखो ये कद्दू है और मैं इसे तोड़ रही हूँ, कोई मुझे कुछ भी कहे। ये देखो, और इसकी सब्जी मैं ले जाके बनाऊंगी घर में। मेरे पास कद्दू है दी, एक और। अरे एक ही तोड़े भैया, पकड़े टूट गया। अरे फोटो खींच लो। ये यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कद्दू हैं और यहाँ पे भी एक है। कहाँ गया अभी? यहीं पे था। ये भी है यहाँ भी है। ये देखो यार, ये देखो ये बड़ा सा कद्दू है, इससे बड़ा वहाँ पे लगा था, बट मुझे ये वाला पसंद है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम। गजब की है ना। ना ना अभी ले लो, सब दूसरी तोड़ ले लो। ककड़ी हमारी भी आनी चाहिए। आ रही है, ये निकलवा दे। नमक मुझे भी, नमक दो और दो यार। लोगे क्या? वो देखो दिव्या के लिए अकेले खा रही है। दिव्या पेट में दर्द होगा जान लो। अकेले अकेले खा रही, हम लोग एक ककड़ी में कितने सारे लोग खाएं। वो देखो, हाँ पहले चलो बाटी बनाओ, बाटी बहुत हो गया बकैती। सही बताएं, हमें नहीं उम्मीद बन पाएगी। बन जाएगी भाई, पूरी रात अपनी है। और यहाँ पे तैयारी चल रही है भरता बनाने की, तो अभी आग एकदम जल चुकी है और इस पर बैंगन भुना जा रहा है, तो बैंगन को बीच से कट करके हम इसके अंदर ही हम लोगों ने लहसुन डाल दिया, तो लहसुन का भी अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड बीच से कट करने पे अच्छे से चेक भी हो गया है कि अंदर कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। तो अभी जब बाटी चोखा बनता है ना तो हमारे यहाँ सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो सब लोग लगे हुए हैं, भैया और सोनू गए हैं भाभी को बुलाने क्योंकि वो हैं अपने मायके में और उनका मायका एकदम पड़ोस में, मतलब पैदल पैदल भी जा सकते हैं बट वो लोग गाड़ी से गए हैं। तो अभी भाभी भी आ गई हैं और वो भी लग गई हैं काम में, फिलिंग बनाने के बाद वो भरता बना रही और हम लोग इसमें भर रहे हैं, बाटी को रेडी कर रहे हैं। और इधर देखो आग भी एकदम रेडी हो गई है सेकने के लिए, तो चलो अब बाटी को सेकते हैं। एंड यहाँ पे दो जगह आग लगी, एक जगह तो बाटी सेक रही है एंड दूसरी जगह जो है फिर से आग लगाई जा रही है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी, हम 25-30 लोग हैं। एंड यहाँ पे देखो बाटी कितनी ज़्यादा यम्मी यम्मी से रेडी है ना, तो कैसी लग रही बाटी बताना ज़रूर। और अगर आपको भी बाटी चोखा पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड क्या, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने को मिले। एंड यहाँ देखो बाटी को ऐसे झाड़ा जा रहा था कि जितनी भी उसमें डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए, एंड उसके बाद फिर उसको घी में डिप किया जाएगा। और अब दिखा देती हूँ आज की प्लेट, ये है यम्मी यम्मी सी प्लेट। तो चलो मैं इंजॉय करती हूँ और आपको मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Thank you for watching. Good night.